दोस्तों आज संयोग एक ऐसा बना है, एक ऐसे भाई साहब मुझे मिले हुए हैं, इनका नाम है उमेश कुमार दुबे और ये सेकंड रशिया के 66 के गवाह हूँ मैं। ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के ड्राइवर रहे हैं और इनके ऊपर कई अटैक हुए हैं इनको जान से मारने का। और आज मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कैब लेने आया तो इत्तेफाक से इनकी कैब मिल गई है और सुनिए ये क्या कह रहे हैं। आप भी बाबू जी को ताशकंद रशिया में 66 में दूध में जहर मिला के मरवाया गया था। उसमें 3 आदमी था, पहला इंदिरा, दूसरा पाकिस्तान जो 65 में लड़ाई जीते थे, तीसरा रशिया जहां के समझौता के लिए 66 में गए थे। ये बाबू जी को पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, वहां से चंदन लगा के लाया कि नीलापन ना दिखे। जो यहाँ हम बोलने लगे कि नीलापन नहीं दिख रहा है, इनको पोस्टमार्टम कराओ, तो बेहोशी के इंजेक्शन दे दिया और उसके बाद हमें उन्होंने घर से भगा दिया। और उसके बाद हमें कम से कम 5-6 बार अटैक हुआ, एक्सीडेंट करवाया, जो कि अभी भी हमारा हाथ और पैर एक्सीडेंट से है। अभी तक मैंने हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाया था क्योंकि उस टाइम हमें भी मरवा देता। उसमें 3 डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर तो पैसे लेके साइन कर दिया था कि हार्ट अटैक हुआ है, 1 डॉक्टर जो है वो मना कर दिया था, तो उसको पूरा परिवार को ट्रक एक्सीडेंट में मरवा दिया। और आया क्या कि ट्रक के नंबर प्लेट नहीं था, ट्रक भाग गया। आपके ऊपर इसलिए अटैक किया गया था कि आप उस केस में गवाह थे। इसलिए आपको मारने के लिए अटैक करा जी। इसमें आपको लगता है बेसिकली सारा मतलब सारी साजिश इंदिरा गांधी की, सब इंदिरा की, सारी इंदिरा की खेलते, कुर्सी का माया था सब, कुर्सी का माया। सुना आपने, एक जीवित आई विटनेस जो शास्त्री जी के ड्राइवर रह चुके हैं, उम्र अभी 83 और इनकी उम्र अभी 83 साल की है और ये कैब चला रहे हैं, इनके पैर में ये पैर ठीक से चल नहीं पाते, लंगड़ाते हैं और अभी ये कैब चलाते हैं। नई दिल्ली स्टेशन पे मुझे आज मिल गए और मैंने ओला उबर छोड़ के इनको चूज किया कि नहीं मैं इनके साथ चलूंगा थोड़ा समय और इनसे थोड़ा पुरानी कहानियां को थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों ये शेयर कर रहा हूँ वीडियो आपको और आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कांग्रेस की काली करतूतों को उजागर करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।